चाकुलिया प्रखंड में हाथियों से त्रस्त ग्रामीण जनाधिकार सुरक्षा कमेटी के बैनर तले डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर को 6 मांग के साथ मांग पत्र सौंपा है। चकुलिया प्रखंड में हाथियों से त्रस्त ग्रामीण जनाधिकार सुरक्षा कमेटी के बैनर तले डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस पहुंचकर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को 6 मांग के साथ मांग पत्र सौंपा। चाकुलिया प्रखंड में पिछले 2 वर्षों से प्रखंड क्षेत्र में हाथियों के उत्पाद से ग्रामीण डरे हुए हैं। हाथियों का झुंड आए दिन किसी न किसी गांव में प्रवेश कर जमकर उत्पात मचा रहे हैं, जिससे कि जान माल का भी हानि हो रहा है। हाथियों के आतंक से त्रस्त ग्रामीण जनाधिकार सुरक्षा कमेटी के बैनर तले डिविजन फॉरेस्ट कार्यालय पहुंचकर मांग पत्र सौंपा है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। मेरा नाम रविंद्र मुंडा। कहाँ से आए हैं आप लोग? हाँ, चाकुलिया प्रखंड से आए हैं। okay. डीफो सर से क्या क्या मांग किए हैं आप लोग? हाँ, हम लोग यही बोलने आए हैं जो डीफो साहब से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाथी का बर्बादी हो रहा है, उसको सही जमीन का जो धान बर्बादी होता है उसका सही से मुआवजा मिले। जैसे डिसमिल से 80 रुपया करके मिल रहा अभी, तो वो बढ़ाया जाए। आदमी लोग को बढ़ाने से क्या है ना, जो हमको जो क्षति हुआ है वो सही हमको मिल रहा है, ये सही ढंग से चले। और आदमी जो हाथी और ज़्यादा 3 झुट में जो है उन लोग को सही जगह में रखने के लिए हम लोग मैंने रहे तो वही अच्छा हम लोग का रहेगा। कहे कि दिन और रात को कहीं किसी भी टाइम में गांव में निकल जा रहा है, तो इसी में मतलब गांव का आदमी जो है निकलने जाने आने में बहुत तकलीफ हो रहा है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।